चलिए आज जो है हम चलते हैं लेकर के, हम कल जो है ऑल द हमने पार्टिसिपेंट दीर्घ संधि के बारे में तो जो है समास पढ़ा नहीं था। पढ़ेंगे। अब इसकी बारी आएगी तब समास की। आज गुण संधि के बारे में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो संधि है संस्कृत उसका नाम व्याकरण है में, संस्कृत गुण संधि। व्याकरण हाँ जी, में संस्कृत व्याकरण पाठ 13। ठीक है। अब देखिए, इसमें जब अ या आ के बाद जब अ या आ के बाद ई आई उ या उ री या लरी होते हैं, तो उनके स्थान पर बोलिए तो नहीं उनके बोलना, स्थान पर क्रमशः इसको लिखना नहीं ना, समझना है ना। समझो, केवल क्रमशः ए ओ उसके बाद अर और अल हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या क्या जो है चीजें हैं जो इस तरीके से हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल सूर्यमान इंद्र यथा सूर्यमान सूर्धन इंद्र वृष इंद्र महाधन महाधनेश्वर ईश्वर बराबर महेश्वर। महेश्वर यहां भी हो जाएगा आ धन ई बराबर ए। सब ब्लैक बोर्ड पर साफ नहीं। चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय। यहां हो जाएगा अ धन उ बराबर ओ। उसके बाद है गंगा धन उदकम, गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम। यहां भी आपका आ धन उ बराबर ओ हो गया है। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। यहां भी आपके तो अ धन री बराबर अर हो गया है। टॉपिक पे लिखना है सर, तौ धन नहीं, तौ धन लरिकारा। वहां पे ओ आगे क्या लिखे हैं? अभी मैं बता रहा हूं, तौ लकारा।
बराबर हो जाएगा यहाँ अ धन ऋण बराबर अल, ठीक है। आपने देखा कि इतने शब्द जो है चीजों को कैसे जो है आपने गुण संधि में जो है आप देखिए उसके बाद कि जब अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री या लरी हो तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या होता है, पहले ए, ओ, अर और अल हो जाता है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आप देखिए क्या क्या हो जाते हैं, ए उसके बाद ओ, अर और अल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर। अरे एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से मैं समझा रहा हूँ। यस सर। क्या कि जब अ या आ के बाद, यानी अ या आ के बाद या ई के बाद या ऊ के बाद या री या लरी होते हैं, मतलब अ या आ के बाद ई या ई के बाद ये सभी होते हैं, तो यहाँ पर जो है उनके स्थान पर क्रमशः क्या होता है, ए होता है, ओ होता है, अर होता है और अल हो जाता है। जैसे आप ध्यान देंगे नीचे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, सूर धन इंद्र। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सूर जब हम कह रहे हैं तो अ आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर ई आ रहा है, तो अ कहो दोनों मिलके क्या हो गए, ए हो गए। बात ऊपर भी कह रहा है कि ए में बदल जाता है, क्या क्या बदल जाता है कि जब अ या आ के बाद क्या आता है, ई या ई आता है। जब अ या आ के बाद क्या आता है, या तो छोटी ई आए या तो बड़ी ई आए, तो वहां पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपने देखा कि अ के बाद ई आया है तो ए हो गया है, ठीक है। वैसे ही महाधन ईश्वर बराबर क्या हो गया, महेश्वर। कैसे हो गया, यहाँ आ और यहाँ बड़ी ई है, यानी आ के बाद बड़ी ई आ गया है तो ए हो गया है। यही बात ऊपर भी कह रहा है क्या कि अ या आ के बाद, या तो अ के बाद या तो आ के बाद, यानी अ के बाद ई आए या तो आ के बाद बड़ी ई आए, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दीजिए नीचे दूसरा, चंद्र धन उदय बराबर क्या हो गया, चंद्रोदय। चंद्र धन उदय बराबर चंद्र चंद्रोदय चंद्रोदय यानी चंद्र धन उदय। ये क्या लिखे हैं, क्या सर चंद्र उदय के बाद क्या लिखे हैं, अ धन उ, यानी क्या यहाँ पर हो रहा है, चंद्र जब कह रहा है तो अ आ रहा है इसमें, और अ और धन उ, यानी इसका अ और इसका उ दोनों मिल करके क्या हो गया, यहाँ पर क्या दिया है, ओ हो जाता है। तो इसलिए अ और माने अ या आ के बाद क्या आ जाए, उ या बड़ा हुआ आ जाए, तो उसके स्थान पर ओ हो जाता लग जाएगा, ठीक है। तो इसी नियम के अनुसार यहाँ पर क्या हो गया है, चंद्र धन उदय बराबर क्या हो गया है, चंद्रोदय। क्या हो गया, ओ हो गया है, ठीक है। वैसे ही नीचे है गंगा धन उदकम, उदकम मतलब पानी होता है और गंगा माने गंगा, यानी गंगा धन उदकम बराबर क्या हो गया, गंगोदकम, ठीक है।
तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ आ है और यहाँ उ है, यानी आ और उ दोनों मिलके क्या हो गया, ओ हो गया है। ठीक है, यही बात ऊपर भी कह रहा है कि अ या आ के बाद क्या आ जाए, उ या बड़ा उ आ जाए तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा है देव धन ऋषि। देव धन ऋषि बराबर क्या हो गया, देवर्षि। देवर्षि, देवर हम कह रहे हैं तो क्या आ रहा है, देवर्षि में और शब्द आ रहा है, तो यहाँ कह भी रहा है कि अ या आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अ और री दोनों मिल के क्या हो गया है, अर हो गया है। अर, क्लियर। अब आगे देखिए, तौ धन लृकार। तौ धन लृकार यानी अ और लरी दोनों मिलके क्या हो गया, अल हो गया। यही बात यहाँ भी कह रहा है कि अ या आ के बाद लरी आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, तौ धन लृकार बराबर तौ लकार। तो तौ लकार में अल शब्द जो है आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। अब तो श्रेया समझ में आ गई होगी बात? यस सर, समझ में आ गई। अच्छा, चलिए तो आगे वाला चलें। दूसरा, यस सर। बाद हम दूसरा जो है गुण संधि के बाद यण संधि है। सर किस पे नंबर पे है सर, मेरे वाले में नहीं है। ये किसी वाले में नहीं है, ठीक है, ये किसी भी बुक में नहीं है तुम्हारे। तुम्हारे बुक में बस उतना ही है जितना कि सर आप ये अपने मन से पढ़ा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, गुण संधि तो संधि का पाठ। जब दीर्घ या ह्रस्व के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनके योग में क्रमशः यवर ल हो जाते हैं। जैसे यदि धन अपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, ई धन अ बराबर य, प्रतिधन एक
बराबर प्रत्येक ईधन ए बराबर य सुधन आगतम बराबर स्वागतम धन आ बराबर व मधुधन हरि सर शू में तो छोटा का मंत्र लगाए तो यहाँ आधा क्यों अभी मैं बता रहा हूँ मधुवरी वो वान हो जाएगा पागल नहीं है बराबर व पितृधन आ गया बराबर पित्राज्ञा यहाँ पर री सर अब क्रमश के बाद क्या लिखे हैं यवरता बराबर र लीधन आकृति बराबर लाकृति परिधन आ बराबर ल ठीक है देखा आपने स्पष्ट दिखाई सर कैसे किए देखिए बहुत ज्यादा इसको गहराई से जाएंगे तो आप जो है एक सूत्र होता है जैसे मैंने पहले सूत्र बताया थोड़ा समझ में नहीं आएगा ये सब सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे आ रही है सर अब नहीं आ रही है सर आ गई सर प्लीज साइट एक मिनट क्या कमेंट सर नहीं समझ आएगा जब तक कि पूरा विद्वत कोई बात नहीं आप ये आप सरल भाषा में सरल तरीके से जानिए दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा ठीक है यानी दीर्घ का मतलब बड़ा और ह्रस्व का मतलब छोटा तो दीर्घ में क्या क्या आ जाएगा आ बड़ी बड़ा ये सभी धन एक क्या क्या जबकि जो छोटा दीर्घ ह्रस्व है ह्रस्व में ये आ जाएगा अ ई छोटा उ ये सब जो है ह्रस्व में आएंगे ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा तो कह रहा है कि जब दीर्घ या ह्रस्व ई उ री लृ के बाद अगर कोई असमान वर्ण आए असमान का मतलब क्या कि ठीक उसी तरह का न हो जैसे इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि उसी के समान आए सौ वर्ण आए अकह सबणे दीर्घ पढ़ा था लेकिन अब वो नहीं पढ़ रहे हैं अब ठीक उसके विपरीत क्या कह रहे हैं कि जब दीर्घ या ह्रस्व ई उ रि लृ के बाद कोई असमान स्वर आए मतलब कोई जरूरी नहीं कि ई के बाद ई आए उ के बाद उ आए ई के बाद अ भी आ सकता है ई के बाद ए भी आ सकता है कोई असमान स्वर आए तो उसके योग में क्रमशः क्या हो जाता है य व र ल हो जाता है क्लियर अब आप यहां ध्यान से देखिए यदि धन अपि
यदि धन अपि, यहाँ क्या है, छोटी ई है और यहाँ अ है, तो ई और अ दोनों मिलके क्या हो गया है, य हो गया है, तभी तो बना है यद्यपि, बना है ना, यानी ई और अ दोनों मिलके क्या बन गया, यह बन गया है, और इसलिए ये कह रहा है कि यह हो जाता है। असमान स्वर है भी, क्योंकि छोटी ई के बाद अ आया है, तो इसका मतलब ये असमान स्वर है, ठीक है। फिर दूसरा है प्रति, प्रति धन एक, यहाँ छोटी ई है और यहाँ ए है, दोनों असमान स्वर है, ये ई है और या ए है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग स्वर है, तो इसलिए ये भी जो है ई और ए दोनों मिल करके क्या हो गया, य बन गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ई और अ मिलके य बना, फिर ई और ए मिलके भी क्या बना, य बना, ठीक है। दूसरा सुधन आगतम, सुधन आगतम बराबर क्या हो जाएगा, स्वागतम, स्वागतम, आगतम बराबर स्वागतम, स्वागतम, सु का मतलब सुंदर, अच्छा से मतलब है, आगतम मतलब आने से, मतलब हम स्वागतम कहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या कि आपका आना शुभ है, इसलिए लोग उसको स्वागतम लिखते हैं। तो उसी तरीके से सुधन आगतम बराबर स्वागतम, यानी यहाँ उ जो है छोटा उ और आ दोनों मिलके क्या हो गया है, व हो गया है, इसलिए यहाँ व बना है तो स्वागतम हो गया है, ठीक है। अब दूसरा है मधुधन अरि, मधुधन अरि, तो यहाँ उ और अ दोनों मिलके क्या, व हो गया है, उ धन अ मिलके क्या हो गया, व, इसलिए यहाँ क्या बन गया, मधुवरी, मधुवरी हो गया है। वैसे तो सर ध को क्यों आधा बस लिखे हैं, इसलिए कि जैसे यहाँ पर आपने देखा कि सु को जो है क्या लिखा है, आधा लिखा है, त को जो है आधा त लिखा हुआ है ना, तो इसका नियम है कि जब ये जुड़ते हैं तो उसमें जो है आधे बन जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर आधा हुआ है। दूसरा है पितृधन आज्ञा, यहाँ री है और यहाँ आ है, तो री और आ दोनों मिलके क्या हो गया, र हो गया है, प्राज्ञा, पित्रा, पित्राज्ञा है कहने से, पित्राज्ञा हो गया है। लरी धन आकृति बराबर लाकृति हो गया, लाकृति, ली धन आ मिलके क्या हो गया है, ल हो गया है, ल हो गया, इसलिए यहाँ पर जो है लाकृति जो है बन गया। जी लिली धन आकृति है, री धन के आगे, री धन आ बराबर र, री धन आ बराबर क्या हो जाएगा, र, र, और ली धन आ बराबर ल, ल, क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आगे चलें, यस सर, आगे देखिए, तीसरा है, चौथा है वृद्धि संधि, हम उसको बोलते हैं, फोर्थ नंबर का है, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची, वृद्धि संधि,
अब यहाँ कह रहा है कि जब अ या आ के बाद या आ के बाद ए ए ओ आओ या ठीक है हो तो उनके योग में ए और आओ हो जाते हैं ए और आओ हो जाते हैं जैसे एक धन एका एक धन एक बराबर एक एक ये हो जाएगा आधन ए बराबर क्या ए तौ धन ऐश्वर्यम तौ धन ऐश्वर्यम ऐश्वर्यम एकमात्र काम को देखो तब ऐश्वर्यम ये हो जाएगा आधन ए बराबर ए उष्णधन ओदनम बराबर उष्णोदनम सर ऊपर मतलब सब बता देंगे ये हो जाएगा सर एक बार और समझा देंगे इसका डिफिनेशन बराबर को नली के उसके बाद है महाधन औषधि बराबर महोषधि अब यहाँ का हो जाएगा आ धन ओ बराबर आओ वैसे ही न धन एव बराबर नैवम चलिए तो हम बातें कर रहे थे वृद्धि संधि की बात कर रहे थे कि जब अ या आ के बाद ए ए ओ औ हो तो किसके बाद अ या आ के बाद क्या हो ए ए ओ औ हो तो उनके योग में क्या हो जाता है ए और औ चेंज करेंगे हाँ जी चेंज होगा ये नियम है इसका ए और में चेंज होगा बता तो रहे कि हाँ सर हाँ जी
सर ये धुंधला धुंधला दिख रहा है। देखिए जब अ या आ माने अ या आ के बाद क्या आए ए ऐ ओ औ हो तो उनके योग में क्या हो जाता है ए और औ हो जाता है। जैसे आप देखिए एक धन एक बराबर दो होना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक और एक दो नहीं होगा क्या होगा एकैक हो जाएगा। तो एकैक होगा तो क्या हो जाएगा अधन ए, अधन ए बराबर क्या हो गया ए ए, ए हो गया तो क्या हो गया एकैक यानी इसी कै के ऊपर एक हो जाएगा एक कै को एकैक हो जाएगा ठीक है ना। सर क्यों कै हो जाएगा मतलब हमने बताया पहले ही कि ये ए की जो मात्रा है ऐ हो जाएगा। यस पर लिखा है ना कि एक ये जो ऑलरेडी अ है और ये है तो दोनों में क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे है तौ धन ऐश्वर्यम अधन ए दोनों मिलके क्या हो गया ए तो तवैश्वर्यम हो जाएगा ना। तो दोनों में क्या बनेंगे यानी यहाँ आपको ए रहेगा क्योंकि यहाँ ए है यहाँ भी ए रहेगा यहाँ भी ए रहेगा ठीक है क्योंकि ये इसके योग में ए और अ हो जाता है। तो ए का मतलब एक और एक मिला तो अ है और फिर अ ए है दोनों मिल के क्या हो गया ए पर ए हो गया यानी एक बढ़ गया इसीलिए हम इसको वृद्धि कहते हैं। वृद्धि मतलब एक बढ़ जाना मात्रा। यस समझ में आ गया। तौ धन ए बराबर क्या ए तो तवैश्वर्यम हो गया यहाँ पर ठीक है। यस सर वैसे उष्ण धन उदनम का मतलब होता है चावल। उष्ण धन ओदनम उष्ण मतलब होता है गरम और ओदनम मतलब चावल यानी गरम चावल। गरम चावल बराबर क्या हो जाएगा उष्णोदनम उष्णोदनम यानी गरम चावल उष्णोदनम ठीक है। यस अधन ओ मिलके अ है यहाँ पर ओ है दोनों मिलके क्या हो जाता है औ हो जाता है ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आइए महाधन औषधि बराबर महौषधि यानी आ और औ आ और औ दोनों मिलके क्या हो गया है औ हो गया औ हो गया है ठीक है। इसलिए यहाँ पर औषधि हो गया है महौषधि हो गया है। नौधन ए यानी नौधन एवं बराबर क्या हो गया है नैवम औधन ए बराबर आय हो गया है इसलिए ऊपर जो है एवं जो है हो गया है ठीक है। समझ गए होंगे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा तो मैं भी कुछ पूछ लेता हूँ ठीक है पूछ लो। यस सर चलिए बताने का प्रयास करिए। ओके सर सदा धन ए बराबर क्या होगा सर क्या सदा सर सदैव 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 वैसे ही दूसरा सदैव वनौषधम का संधि विच्छेद क्या होगा वनौषधम औषधम उसी प्रकार से दूसरा इसके पहले जो आया था पहले आपने यण संधि पढ़ा उसका बताइए इत्यादि का संधि विच्छेद इत्यादि
इत्यादि इत्यादि उसके बाद है आपको अति धन उदार क्या अति धन उदार अति उदार ठीक है अति उदार उसके बाद है अति उदार महेश 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 क्या होगा महेश बराबर महेश महाधन ईश बराबर महेश 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 किसको कहते हैं शिव जी को भगवान को सर शिव जी को Yes. महाधन ईसा मने ईसो में महान अर्थात कौन शिव जी उसी प्रकार से सुरेश सुरेश का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद सुरा प्लस बराबर सुरेश सुर मने देवता और ईसा मने ईस यानी देवताओं का ईश कौन है इंद्रदेव 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 चलिए उसके बाद है अंबू हमारी बात बताओ सर इतना बहुत सर ये धुंधला धुंधला दिख रहा है सही से नहीं दिख रहा है धुंधलापन वो लाइट के कमी के वजह से हो रहा होगा ठीक है नहीं आके लाइट हटा दो सभी में धुंधला दिखता है या भी नो सर नो सर